रेशमा 10 साल की छोटी लड़की सी जो किधरे कुछ ही पलां ली उदी चेहरे ते जम्मी कालख नूं साफ करके देख लिया जावे तां यकीन मन्नियो परियां दी भैण ही जापेगी। पर किस्मत नूं शायद कुछ होर ही मंजूर सी। मैं कालज जांदे समय हर रोज़ देखदी कि उह इक बहुत ही वधिया घर विच रह रही है, पर फिर कपड़िया ते खिलरे वालां तों उस परिवार की मैंबर ना जापदी। मैं कॉलेज तो वापस आके भी देखती तो उत्थे ही हुंदी। एक दिन मन किया क्यों ना इस कोल बैठ के कुछ गल्लां करा। सो मन विच चल रहे वलवलिया नूं हल करन दे मन नाल उस कोल जाके स्कूटरी नूं रोक लिया ते उह भज के मेरे कोल आई कि शायद मैं उस परिवार दे किसी जी नूं मिलना होवे। मैं बिल्कुल नज़दीक तो देखिया उह किन्नी चुप ते खामोशी छाई हुई सी उस दे अंदर। जद मैं उहदे पुछण ते दसिया कि मैं किसी होर नूं नहीं बल्कि उसनूं मिलण आई हाँ तो एक पल ही वह चुप ही हो गई। उस दियां बुल्लां ते छाई चुप मैनू तंग करन लगी। फिर मैं एकदम सब सोचां चों बाहर निकल के बोलिया, बेटा जी मैं तुहाडे नाल गल्लां करना चाहुंदी हाँ। उहदी चेहरे ते एक प्यारी जी मुस्कान आ गई ते नाल ही हैरानी भी कि पता नहीं कौन आए। फिर मैं उसनूं अपने बारे दसिया कि मैं कॉलेज पढ़न जांदी हाँ ते तुहानूं देखदी हाँ हर रोज़, सो अज मन किया कि गल्लां करदे हां। तां बस कोल आ के रुक गई। मेरे पढ़न बारे सुन के उसनूं मेरे बारे जानण की उत्सुकता होर वध गई ते उह हौली हौली मैनूं हाथ लगा के गल्लां करन लग गई। कदे मेरे कपड़िया नूं हाथ लगाउंदी, कदे मेरे मोबाइल वल देखण लग जांदी। फिर मैं अपने बारे दसदिआं विचाले ही पुछिया, तुसीं स्कूल क्यों नहीं जांदे? तां उसने दसना शुरू किया कि उह घर दीआं तंगीआं तुरशीआं दे चलदिआं पढ़ ना सकी। रेशमा दी पछोकड़ बिहार तों सी पर मां बाप दे नाल उह पंजाब आई सी जद उह केवल 2 साल दी सी। उस तों बिना उसदे परिवार विच 3 होर छोटे भैण भरा ते मां बाप हन, पर पता नहीं समें ने रेशमा नूं उम्र तों पहलां ही जिम्मेवारियां दा टोकरा क्यों चुकवा दित्ता सी। इस गल लई किसी अगे भी अरजोई नहीं कीती जा सकती सी। बाप ज़्यादा नशे दा आदी होण करके कम ते घट वधी जांदा ते मां इकली दिहाड़ी करन लई जांदी, फिर घर आ के कम भी करदी ते घर वाले नूं नशे लई खुद पैसे दे के घरों तोरदी ते रात नूं उसे नशे दे जोर चों दरिंदा रेशमा दी मां नूं कुटदा। मां कम कार भी करदी दिहाड़ी भी, सुहोरना दे कहण ते मां ने रेशमा नूं भी कम ते लैके जाणा शुरू कर दिता। रेशमा दे बोलां विच अथाह दर्द सी, शायद वह दर्द बोलां राहीं बयान करना मुश्किल हो जावे। रेशमा बोल रही सी कि इट्टां चुकण दे काम चों उसनूं सारा दिन मां दे नाल रहना पैंदा। वह बोलदी बोलदी हाले भी नन्ने जे हत्थां नूं मल रही सी, दसदी कि कदे इट पैर ते वज जांदी ते कदे ठेडा खा के वह इट्टां ते डिग जांदी ते ऐ सट्टां इट्टां ही उसदे खिडौने बन गए। फिर कम घट गया ते उहनां मावां धीआं नूं कोई होर कम लभणा पिया। उसकी माँ किसी अमीर परिवार विच साफ सफाई का काम करन लग पई ते मालकण ने रेशमा नूं अपनी धी की सांभ संभाल ली रख लिया। उन्हां दी बेटी की उम्र 8 साल की सी। इत्थे असी कह सकदे हां कि दोवां बेटियां की उम्र चों कोई खास फर्क नहीं सी। हो सकदा उम्र चों खास फर्क नहीं, पर जो रेशमा ने दसिया उस हिसाब नाल वितकरा तां पूरा होया सी, पर पता नहीं किस वल्लों हुण रेशमा नूं मेरे नाल गल्लां करना वधिया लग रहा सी। मैं अपने कॉलेज बैग चों एक बिस्कुट का पैकेट कढ के उसनूं दे दिता तो उसने सब तो पहलां इधर उधर देखिया फिर हौली जी फड़ लिया। मैं उसनूं फिर पुछना शुरू किया कि तुहाडी मालकण तुहाडे कोलों की काम करवाउंदे ने, तुसीं तां सारा दिन अर्श नाल खेडदे रहिंदे होवोगे। उसकी मालकण की बेटी का नाँ अर्श सी ते मालकण खुद सरकारी स्कूल चों हैड मिस्ट्रेस सी। खेडण दी गल सुणदिआं ही जिवें किसी ने उसकी दुख दी रग ते हथ रख दिता होवे उस दीआं अखां हंझुआं नाल भर गईआं ते उह बोलण लगी, नहीं जी मैं खेड नहीं सकदी, जे मैं किसी खिडौने नाल खेड लिया तां अर्श अपनी मम्मी नूं दस के मैनूं मार पवाउंदी आ। मैं हैरानी नाल पुछिआ, उह क्यों मार दे? चलो अर्श तां बच्ची आ पर उह तां पढ़े लिखे ने। तां उह बोली, उह कहिंदे ने कि तूं केवल इस नूं खिडाउण लई आ, ना कि खुद खिडौणिआं नाल खेडण लई। मेरा मन वरोंदलिया गया। बहुत सवाल सन मन चों, कदे तां विचार आवे कि सीधा अंदर जाके उडीक करां ते सब सवालों के जवाब दे के जावां। फिर रेशमा ने पुछया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਸੀ, ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਮਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਏ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁਦ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੌਰ, ਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਲਵਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੜਫਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ। ਲਿਖਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਵਾਜ਼ ਜੱਸੀ ਸੰਧੂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।